हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बनाने वाले हैं ढेर सारी वेजिटेबल की रोटी। ये बहुत हेल्दी होगी। देखिए, हमने एक बड़ा कटोरी आटा ले लिया है। गोभी के जो फूल होता है ना, उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है, बहुत बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़ा प्याज हमने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। एक बड़ी शिमला मिर्च को कर लिया है। एक आधा गाजर को ग्रेट कर लिया है। आधा मैंने ये लौकी लिया है, मतलब बहुत छोटा सा पीस समझिए, 4-5 इंच का पीस है। यानी ग्रेट करने के बाद ना आपका पौना कप हो जाना चाहिए। आधा हमने खीरा, जो इंग्लिश कुकुम्बर आता है ना, उसको ले लिया है। 1/4 टीस्पून हमने हींग लिया है। आधा चम्मच जीरा लिया है, नमक स्वाद के अनुसार लिया है। अजवाइन को भी हमने क्रश करके डाला है, 1/4 टीस्पून। और गोभी के ना ऐसे फ्लोरेट्स बड़े वाले हमने 2 लिए हैं। तो इसको सब्जी आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम इन सबको ना अच्छे से ऐसे मैश करेंगे, मिक्स करेंगे हाथ से। तो ये देखिए, जब हमने ये सब ले लिया ना, तो अब हम आटा बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसको, इसमें हींग है ना, इसको ऐसे हाथ से हमको इसको सब सब्जियों को मिक्स करना है। नमक है, हींग है, देखिए कितना पानी ये सब्जियों ने छोड़ रखा है। तो हमें ना इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, कुछ भी। इसमें केवल हम जितना जितना आटा डालते जाएंगे और इसको ऐसे मिक्स करते जाएंगे आटे को। देख रहे हैं ना, मतलब बाइंडिंग हमें आटे से करना है, बिल्कुल भी पानी नहीं जाना है। सब्जियों के पानी से ही हमें ये आटा लगाना है। तो जितना जितना आपको चाहिए उतना आप डालते जाएं इसमें आटा, और इसका पराठा बनाइए। तो ये देखिए, ये देखिए अच्छे से मैश हो रहा है ना, ये ऐसे बाइंड होना शुरू हो जाए। तो जितना आपका आटा लगे, देखिए सब्जी में पानी, आपने कौन सी सब्जी डाली है, उसमें कितना पानी है, उस हिसाब से आपको देखना है। तो ये मैं मेजरमेंट नहीं बता सकती कि कितना आटा लगेगा, आपको देखना है बस कि ये बाइंड होता है। तो ये देखिए, हमारा ये आटा इस तरह से लगकर तैयार हो गया है। इसको हमने 15 मिनट तैयार रख भी दिया है ना, 15 मिनट के लिए हमने ढककर रख दिया था, और अब ये तैयार है। इसके बनाते हैं हम रोटी बनाए या पराठा, जो भी आपके सामने करते हैं अब स्टार्ट। ये देखिए, ऐसे हम पहले ये लोई बना लेंगे, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। ऐसे थोड़े से किनारे फटेंगे क्योंकि सब्जियां बहुत सारी हैं। यहाँ अब हम हल्का सा घी लगा देंगे ताकि वो जो किनारे हैं ना, थोड़े से रोल हो जाए अंदर। इसकी वजह से थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। ये रोटी ना बहुत अच्छी लगती है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं या बड़े भी जो लाइक नहीं करते हैं, वो सब सब्जियां ना इसमें पता ही नहीं लगती हैं। तो हम सूखे आटे में डस्ट करके, क्योंकि थोड़ा सा आटा ढीला होता है, तो तुरंत जब बनाएं ना, बस 5-7 मिनट के लिए ही रखें, क्योंकि सब्जियां अपनी पानी छोड़ देती हैं। और इस तरह से हम इसको देखिए बेल लेंगे। थोड़ी मोटी पतली जैसी आपको खानी है आप वैसी रोटी बना सकते हैं। तवा ऑलरेडी गर्म है और ये हमने रोटी को ऐसे इस पे डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको सिकने देंगे रोटी को। ऐसे ही हम दूसरे पराठे के लिए, रोटी के लिए लोई तोड़ लेंगे। इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे, बीच में थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इसको ऐसे रोल कर लेंगे। ठीक है, इसको फिर सूखे आटे में डस्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने सूखे आटे में इसको डस्ट कर लिया है घी लगाने के बाद, और अब हम इसको बेल लेंगे। ठीक है ना, मैं कह रही हूं आपको कि सब्जियां गीली हैं, थोड़ा सा पलोथन ज्यादा लगाना पड़ता है, पर रोटी बहुत अच्छी बनती है। जिस भी साइज की आप बनाना चाहें, मोटी पतली पराठा है ना। आइए रोटी चेक कर लेते हैं दूसरी। ये देखिए, इधर से अच्छे से सिक गई ना, ये देखिए अच्छे से। तो आपको मंदी आंच पे सेकना है। अगर आप जल्दी से पलट देंगे ना, तो रोटी टूटने का डर रहेगा। अब हम इधर से भी इसको आराम से सिकने देंगे। रोटी इधर से भी सिक गई है, अब हम इसको गैस पे नीचे सेक लेंगे। ठीक है, चारों तरफ से उलटते पलटते हुए हम रोटी को सेक लेंगे। अगर आप करारा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा करारी बना लें, थोड़ा ज्यादा देर सेक लें। सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो सॉफ्ट सेक लें। यानी हमने तवे पे इतने अच्छे से इसको पचा लिया है कि अंदर से कच्ची नहीं है रोटी, ये हमें ध्यान रखना है।
ठीक है ना। ये देखिए पास से ऐसी ये रोटी सिक गई है। दूसरी रोटी भी हमने तवे पर डाल दी है, उसी तरह से हम सेक लेंगे जैसे हमने पहली रोटी सेकी है। थोड़ा सा लगाएंगे हम इस पर ये घी और थोड़ा हम बटर भी रखेंगे इस पे। ये चॉइस आपकी है, आप कितना घी बटर खाना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये रोटी बटर के साथ और इसके साथ बहुत अच्छी है। घर का मक्खन मक्खन है निकला हुआ। थोड़ी सी रखेंगे हम इसमें टमाटर की चटनी, ये देखिए इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। दूसरी रोटी को भी पलट लेंगे और इसको सेक लेंगे। ये देखिए रोटी कितनी बढ़िया बनी है, सिककर तैयार है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको एक ही रोटी के साथ बताया है, और यकीन मानिए इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं। बहुत ही टेस्टी ये रोटी लगती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।